इस क्षेत्र ने भारत की समृद्धि का वो दौर देखा है जिसकी कई बार कल्पना तक मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास समय दुनिया भी जानती है कि ये समय भारत का समय है। दुनिया को भी लगता है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे, दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। 10 साल में भारत की ये जो साख बढ़ी है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया के हर देश में हर भारतीय का गौरव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है? ये आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हुआ है, ये सब तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जो दिख रहा है ना, वो आपके उस वोट का परिणाम है। आज भी इतनी विशाल संख्या में आप यहां आए हैं, मैं देख रहा हूं जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा बाहर धूप में दिख रहे हैं मुझे। ये इस बात का प्रमाण है कि मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था, उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में ही सोचता था, लेकिन नीतीश जी, जेडीयू, बीजेपी, इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधेरे से बिहार को बाहर निकाला है। बड़ी मेहनत करके बिहार को बाहर निकाला है। अब जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है,
तो बिहार के तेज विकास के अभी यही समय है। साथियों, आज हम देश में वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन जैसी नई ट्रेनें चला रहे हैं। ये सिर्फ आधुनिक सुविधाएं भर नहीं है, आज हम पटरी से लेकर ट्रेन के इंजन और डिब्बे तक भारत में ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम दुनिया के और देशों में, विदेशों में भी बेच रहे हैं। इससे आने वाले समय में बिहार के रेल कारखानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। हम भारत को दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। इसके लिए आने वाले 5 साल में मिशन मोड पर काम होगा। ऐसे में दलहन के कटोरे के रूप में इस क्षेत्र के किसानों की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। साथियों, आज बिहार में इस चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ एनडीए का मॉडल है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मॉडल है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मोड़े है संतुष्टिकरण। हर एक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए, जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हमने माताओं बहनों को टॉयलेट, गैस, बिजली, पानी का सुविधा दी, हमने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी और कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, तुम्हारी जात क्या है। हमने तो कहा, जो इसका हकदार है उनको सबको मिलेगा, और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमने गरीबों के पक्के घर बनाए, वो भी माताओं बहनों के नाम किए। लेकिन इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर लगा रहा है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि वो देश भर में, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा है और आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की, उसकी कमाई का, उसकी मिलकत का
उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, परिवार के पास क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी दुकान मकान होता है, हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं, और स्त्री धन तो हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। यानी आप अपनी पूरी संपत्ति, आज तो आपके पास जो भी है, मरते समय आप अपने बच्चों को दे देते हैं। कोई लिख करके जाता है या मरने के बाद उनके बच्चों को मिल जाता है, लेकिन अब कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लेके आई है, कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत खलियान घर दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। यानी आपके पास गांव में चार कमरों का घर है तो आपके बाद आपकी संतान को चार कमरे वाला घर नहीं मिलेगा, उसमें से दो कमरे वो हड़प कर लेंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 बीघा जमीन आप वारसे में विरासत में अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, 5 बीघा जमीन आपको बच्चों को देनी है, 5 बीघा सरकार में जमा करनी है। ऐसा भयानक विचार लेकर के ये इंडी गठबंधन के लोग आए हैं, और इधर आरजेडी वाले इतनी चर्चा चल रही है मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है, और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की दूसरी योजना तो और भी खतरनाक है और ये भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध, हमारे पूर्वजों ने महीनों तक चर्चा करके जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आंबेडकर की योजना और विचार के खिलाफ, अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां है, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है, जो अब संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। बिहार में भी ये इनकी कर्नाटका जी फॉर्मूला है। वो इंडी गठबंधन वाले यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे और धर्म के नाम पर बांट देंगे, अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। और इसमें भी कांग्रेस को आरजेडी का पूरा पूरा साथ मिल रहा है।
ओबीसी का हक लूटने का खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी एसटी ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही कांग्रेस की सरकारों ने हमारी हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत की सूद नहीं ली। आज मैं गर्व के साथ पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो ये आरजेडी कांग्रेस लेप वाले मेरे देश की मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक सिर्फ मोदी का नहीं है बल्कि बिहार के महान लोकतांत्रिक इतिहास का मजाक है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी विरासत, अपनी धरोहर को फिर विश्व पटल पर स्थापित किया है। गुलामी की मानसिकता से गिरे गए ये लोग अब चाहकर भी इस नए भारत को बदल नहीं सकते। आप देखिए, दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान हमने हमारे देश की बिहार की महान विरासत नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास को दुनिया के सामने रखा। आज दुनिया के जो जितने G20 के बड़े नेता हैं उनके घर में नालंदा के उस विश्वविद्यालय के साथ फोटो है। एनडीए भारत को 21वीं सदी के वैश्विक ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए समर्पित है। मुंगेर में विश्व का सबसे बड़ा योग का विद्यालय है। पद्मश्री पूज्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के प्रयासों से पूरे विश्व से लोग यहां योग सीखने आते हैं। लेकिन गुलामी की मानसिकता से भरे दलों ने तो हमारे योग तक को विदेशियों के हवाले कर दिया था। आज पूरी दुनिया जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, उसे मुंगेर को बिहार को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, अब भाजपा ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। एनडीए सरकार योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता देने की, प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था स्थापित करेगी। एनडीए सरकार दुनिया के लिए योग और आयुर्वेद के प्रमाणित पाठ्यक्रम बनाने के लिए इससे जुड़े संस्थानों को मदद देगी। इससे योग और आयुर्वेद सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए पूरी दुनिया में अवसर बनेंगे। साथियों, मोदी का एक और मिशन भारत को
हमारे छोटे किसानों के मोटे अनाज श्री अन्न को दुनिया में घर घर पहुंचाने का है। बिहार में हमारे किसान बड़ी मात्रा में श्री अन्न उगाते हैं। ये देश के करोड़ों छोटे किसानों की कमाई को कई गुना बढ़ाने वाला है। भाइयों और बहनों, यहां इस क्षेत्र में तो साक्षात माता सीता जी के निशान है। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है। पूरे देश को गर्व हो रहा है, सबको गर्व हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये इंडी गठबंधन वालों को निमंत्रण दिया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया और दूसरी तरफ वो अंसारी परिवार को देखिए जो दो दो पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ते थे, मुसलमानों के लिए मुकदमा लड़ते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो उन्होंने गर्व के साथ उस निर्णय को माथे पर चढ़ाया। इतना ही नहीं, श्रीमान अंसारी खुद राम मंदिर प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खुद आए, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया। ऐसे अहंकारी लोग जो अपने आप को भगवान राम से भी बड़ा मानते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यह मौका है। भाई और बहनों, आप सबको ये ध्यान रखना है कि इस बार आपका एक एक वोट भारत के विकास और भारत की विरासत को नई ऊंचाई देने के लिए पड़ने वाला है। और इसलिए मुंगेर से हमारे मित्र श्रीमान राजीव रंजन जी, बेगूसराय से गिरिराज सिंह जी और खगड़िया से राजेश वर्मा जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। कहीं पर 7 मई को मतदान है तो कहीं पर 13 मई को मतदान है, लेकिन हर बूथ पर मतदान के रिकॉर्ड जरूर टूटने चाहिए। टूटेंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सुबह 10 बजे के पहले मतदान कराएंगे, पूरा कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ये मेरा काम है, ललन सिंह का नहीं है, गिरिराज का नहीं है, मेरा काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी मुंगेर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। जब हर परिवार में आप मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। वो आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, वो आशीर्वाद मेरी शक्ति है, वो आशीर्वाद मेरी प्रेरणा है और उस आशीर्वाद को लेकर के मैं पूरी ताकत से फिर से एक बार आपकी सेवा में जुड़ जाऊंगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।